वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द क्यू एंड ए. सो दिस टाइम ऑल्सो एज पर यूजुअल हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला एट वेदर इंट्रोस की भाई क्वेश्चंस पूछो और हमने पूछे काफी लोगों ने पूछ लिए इस बार. अब आंसर करेंगे काफी सिंपल प्रोसेस है यार बहुत इजी. हाँ तो मतलब आपको भी करते रहना चाहिए अपने सारे. एनीवे फर्स्ट क्वेश्चन. हेलो मम्मी सुनो मैं वो प्रैक्टिस कर घर आके मैं तरुण के घर आ गया था शूट वीडियो शूट कर रहे हैं मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ. हेलो वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कर ले. एनीवे फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर योर निकनेम्स. काकू नन्नू उसका भाई चार लाइन बोलते हैं भाई मेरे को निकनेम सजेस्ट कर दो अगर तुम्हें पसंद है. मम्मी कभी कभी कन्नू बोल देती है. एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन. सो प्रियांशी नेगी आस्क्ड व्हाट इज योर फेवरेट पास्ट टाइम एक्सेप्ट यूट्यूब. इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना आई थिंक. एंड एक नया इंस्ट्रूमेंट आया है हमारे अब तरुण और मेरे पास दोनों के पास वो है पूरा शो ऑफ करेंगे. युक्स युक्स पूरा बजट क्या क्यों क्या युक गैंग युक गैंग युक गैंग ये हम दोनों के पास है. मैंने इसका नाम मरियम रखा है मेरी नई गर्लफ्रेंड है. हां काफी लोग पूछ रहे ना ही सिंगल तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है मरियम लवली. तो तूने इसका नाम नहीं रखा इसके लिए नाम समझ नहीं आता इसका बॉयफ्रेंड नहीं 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 मैं पागल है इसका भाई बना दे इसे कुछ नाम इसके लिए. तरुण के युग का नाम क्या होना चाहिए बताएं जरा जी. अभी इसको फिर से हम पीछे रख देंगे क्योंकि फुल शो ऑफ जारी रहेगा. चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ ना. तो सबसे ज्यादा द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है. क्यों है भाई मेलोडी खा खुद जान जा. मेलोडी है चॉकलेटी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is your motivation, inspiration? हम दोनों को लाइक एडिटिंग और फिल्म मेकिंग का जो असली कीड़ा घुसा था जब तो मेरे को घुसा 2015 में केसी नाइस्टैट उस टाइम मैंने डिस्कवर किया था. और इफ समवन डजंट नो मतलब मैं बोलने में भी शर्म आ रही है मतलब यूट्यूबर है फिल्म मेकर है एंटरप्रेन्योर है तो मतलब उसने मेरे को जो ये वाला कीड़ा है वो घुसाया एक ना अलग पर्सपेक्टिव मतलब लिटरली नॉट इवन इन फिल्म मेकिंग एज अ पर्सन और वर्क एथिक कैसे अपने डे को और प्रोडक्टिव करना है. काफी सीरियस बातें हो रही है बट उससे मैं मतलब लिटरली उसने मेरे को बहुत चेंज किया एज अ ह्यूमन बीइंग. तो जैसे इसका 2000 कौन से 15 में हुआ तो मैंने अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ एडिटिंग करते हुए तो मैं भी केसी की वीडियोस जब देखने लग गया तो वो चीज डेवलप हुई. और मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर तुम्हारे सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा मैटर करती है. फिर जो आसपास की चीजें होती है वो सब डिलीट हो जाती है. ऐसा लगता है कि बस वीडियो डाल ली यूनिवर्स में और सेटिस्फैक्शन जी कुछ चाहिए ही नहीं भले वो 2 लोग देख रहे हैं 3 लोग देख रहे हैं या 5 लाख देख रहे हैं 5 करोड़ देख रहे हैं. पूछो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रही है कि आप लड़की आने दोगे अपने ट्रायो में. सबसे पहली बात वो फिर ट्रायल में रहेगा. लड़की आ गई तो 4 हो जाएगी ना लॉजिक ही नहीं है कुछ. नहीं अगर आ गई तो फिर आने देगा मेरे हिसाब से आ नहीं पाएगी. और मतलब जो मेरे हिसाब से पर्सनली हाँ तेरे हिसाब से बेसिकली जो मेरे हिसाब से बात है ना वो लड़कों की बात अलग ही होती है. भाईचारा सबसे प्यारा है. ये नहीं कह रहा मैं कि लड़की दोस्त नहीं हो सकती वो बहुत रेयर हो सकती है बहुत अच्छी भी हो सकती है पर रेयर. और लड़के सारे दोस्त है मतलब यहाँ से कोई लड़का जा रहा है उसको भी मैं भाई बोल और मैं इमेजिन कर रहा हूँ जैसे हम व्लॉग कर रहे हैं मैं उनकी की फ्रेम में बस मैं हूँ फिल्टर चाहिए. बस मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे अगर हम फन कर रहे हैं दो तीन लड़के फन कर रहे हैं उसमें एक लड़की आ जाए ना तो ऐसे हो जाते हैं बॉयज वाला फन खराब हो जाता है थोड़ा सा. समझ रहे हो रिलेट कर रहे हो ये बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा है. रिलेट लेवल एक्सट्रीम. सो राशि चावला आज व्हाट इज द डिफरेंस इन योर लाइफ आफ्टर कमिंग टू यूट्यूब. यही आया है कि मतलब अब हम हर चीज को लाइक एज अ शॉट ये शॉट में कैसे लगेगी. उस दिन हम लोग मतलब शूट कर रहे थे तो रजौरी में थे और सामने बिल्कुल हमारे सामने स्ट्रीट में जो बाल वाल नहीं काटते ना ही वो काट रहा था और पीछे सनसेट हो रहा था और मतलब देखते ही ऐसा लगा दोनों ने एक दूसरे को यही बोला भाई इसका शॉट कैसा होगा. कोई नॉर्मल बंदा उस चीज को इग्नोर कर दे और उसका इतनी अच्छी बात है मेरे को बहुत अच्छा लगा कि करण ने वो शॉर्ट सोच के वीडियो भी बनाया. मैं बना दी ऐसे किसी आइडिया को ट्रांसफॉर्म करके असली में बना देते हो ना दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट वीडियो मेकिंग. कुछ ऐसे फैला हुआ है उसको तुमने कुछ यूजफुल में बना दिया यूजफुल चीज बना दी उससे. तो बेसिकली मतलब हम तीनों को एज अ ह्यूमन बीइंग यूट्यूब ने काफी बेटर करा है. हम बहुत मैच्योर हो गए हैं बहुत चीजों में बहुत चीजों में. एनीवे इसको हम कभी फुर्सत में बात करेंगे इसके बारे में. सबसे पहले ऋषभ का तो ऐसा था कि
स्कूटी चला रहा था ये लाला के साथ, लाला नाम से पता चल गया होगा मोटा, और ऋषभ भी पहले के टाइम पे मोटा, और उसके साथ रोहन समझ लेती ना, प्लस स्कूटी बहुत पतली, और स्कूटी थी बैटरी वाली, स्कूटी का टायर जा रहा नीचे, तो मैं मतलब वियर्ड ही था कि मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई। इसका ऐसा था कि भाई सिक्स सेवेंथ की बात है, तो किसी भी बच्चे की दाढ़ी मूछ कुछ नहीं आनी चाहिए थी, और मेरी आई थी, और मेरे को पता था एक करण है भाई, उसकी भी आती है और मेरी भी आती है, हमारे हार्मोन बहुत जल्दी जग गए थे। तो अब तेरा अच्छा मेरा इंप्रेशन देखो, मैं तरुण के लिए तो मेरा ये था, मतलब हर स्कूल में को था ना कूल किड जो, मतलब शुरू से ही भाई मेरे को इतना इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता था कि कैसे भाई वो लगता था चीप मैग्नेट। और ना ये ना बचपन से इसके इसकी इंस्टाग्राम वाली फोटो डालेंगे वीडियो भाई, तब ना नई नई स्नैपबैक आती थी और ऐसे लोवेस्ट जीन्स और स्पाइक्स वाइक्स, मतलब भाई बच्चे होते थे जो क्लास स्कूल में सबसे ज्यादा है ट्रेंड सेटर, एकदम ट्रेंड सेटर, तो भाई मैं तो ऐसे रहता था, ओह आ गया तरुण, आ गया तरुण, आ गया तरुण, आ गया भाई, मैं बाद में लगाया चू चू एक नंबर। तो मेरा होता हां ऋषभ, ऋषभ मेरे ऋषभ के लिए कोई कुछ, अरे नहीं नहीं नहीं, इसके लिए लड़की पसंद थी तो ट्यूशन में तुम्हारी, नहीं 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 उससे पहले समझ जा समझ जा। चल ठीक है तेरे भाई, तू बता ना हमारे में, तभी के लिए मेरा ऐसे था कि स्कूल में दिखता रहता था, पर ऐसे था कि दूर रहना इससे, ठीक है इस टाइप का, मतलब यार तेरा अलग ग्रुप है, तेरा अलग ग्रुप है, और ऐसे वाला ग्रुप है, और मैं यार कूल लोग और मैं इतना कूल हूँ नहीं, मैं उस टाइम पे फोन सब गए इतने वो नहीं होते, इसके पास था वो कुछ सोनी एरिक्सन, अच्छा वो ना टच स्क्रीन, अच्छा टच स्क्रीन फोन अच्छा सा था, तो मैंने कहा अच्छा भाई, और ये फुल स्नीकर्स लंबे लंबे हाई टॉप वाले, हाई टॉप होते ना सुप्रा सुप्रा बड़े बड़े वाले पहन के भाई। अगर अब ये करें ना, जस्टिन बीबर की डीपीएल लगाता था। और करण का करण कहते हैं मेरा इंप्रेशन, मेरा इंप्रेशन बताता हूं, तो मैंने इसको मतलब मिलते थे हम स्कूल में कभी कभी ऐसे, पर ट्यूशन में ऐसे ऐसे बात हुई, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने इसको जज किया भाई, मतलब फोन इसके बाद भी अच्छा, और ऊपर से मतलब मेरे को थोड़ा फ्लेवर टाइप लगा, पता क्यों सिर्फ सच बता रहा हूँ क्यों, तेरे पता नहीं तब थोड़ा था ही ऐसे, क्या वाले कभी जिंदगी भी नहीं लड़की बाजी नहीं करते थे बहुत ज्यादा ये तो मैंने कभी नहीं सुना, हम दोनों लगे दिस वीडियो इज लिट। इफ यू कुड बी वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ वन डायरेक्शन, व्हिच वन वुड यू बी इन एक्ट इफ पॉसिबल। क्वेश्चन काफी अच्छा लगा, मैं इस क्वेश्चन मैं देखो वन डायरेक्शन में सिर्फ इसने मेरे को नॉलेज दिया सारी ज़ेन की, तो उसी का पर ज़ेन लॉजिकली भी वन डायरेक्शन का पार्ट नहीं है, और लॉजिकली तो वन डायरेक्शन भी है ही नहीं, हां वो तो लॉजिकली लॉजिक है नहीं, पर अब आंसर करना है, तो आंसर करना तो मैं भी अज्यूम कर रहा हूं कि ज़ेन डायरेक्शन ज़ेन में है, वन डायरेक्शन ज़ेन में, ज़ेन वन डायरेक्शन में, चलो तो इसलिए माय आंसर आल्सो वुड बी ज़ेन मलिक, नहीं तो हैरी स्टाइल्स। हाँ यार, अरे ज़ेन होता मैं तो फिर, पर जीजी अदित मेरे को खास नहीं पसंद, मैं ऐसे बोल रहा हूँ मेरे पास ऑप्शन है। तू बताओ। मैं लियम पे। अब बात आती है नैक करने की, तो हियर इज आवर अटेम्प्ट टू डू दैट। हाय जेन, क्या हाल है यार? हरी भाई, जीजी छोड़ गई मेरे को। ओहो जेन, जीजी तेरा देवर दीवाना। अच्छा ये बात छोड़, काइली दीदी है ना मेकअप वाली, उसकी बहन कैंडल मेरे को पसंद है, सेटिंग करा दे। अरे कैंडल तो बर्थडे पे होती है ना। So Ash Segal पूछ रही है, according to you, which is the most memorable video that you have shot together and why? Has to be the Goa vlog. It's our first travel vlog. और मेरे हिसाब से दो videos हैं, एक तो Goa vlog तो है ही है, वो मतलब है ही है, और दूसरी है ऋषभ के बर्थडे वाली, वो भी बहुत planned, जो भी planned videos होते हैं वो हमारे बहुत करीब होते हैं, और like मेरे हिसाब से हमारे memorable वही होती है जो मतलब एक story convey करे। Story. So Goa vlog and Rishabh birthday vlog have a story to convey. तो जो एक emotions attached होते हैं तो मजा आता है। So the next question is how old bicep is? If you guys don't know, bicep is the doggy जो हमने ऋषभ को gift किया था। ऋषभ answer? Almost 10 months old. 10 months.
ओए ओए नहीं 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 ओए प्लीज यार मैं कैमरा फेर दूंगा मुंह भाई चाचा तू उसका कैसी बातें कर रहा है स्मार्ट हो गया मतलब ऐसे लग रहा है अब इसको बिचेस मिलती होगी युवराज 01 आज व्हेन आर यू गाइस प्लानिंग टू रिलीज योर ओन मर्च मार्च में आएगा क्या फन मारते हैं हम लोग ठीक है खत्म हो गया बहुत नहीं आ रही दिमाग में इट्स ओके गाइस वी आर यू नो वी ट्राई तो एनीवे अब सीरियसली अगर बात करें तो मर्च कब आएगा मर्च कब आएगा तो हम सोच रहे हैं लेट अस नो योर ओपिनियन इन दी कमेंट्स कि अगर एक हुडी हो उस पर लिखा हो भाई चारा सबसे प्यारा तो आप लोगे या नहीं लोगे बता दीजिए सो मुस्कान सिंह आस्क्ड डू यू हैव एनी फोबियास हमारा हम दोनों का वो पानी वाला हुआ करता था बहुत जबरदस्त जो कि हमने गोवा व्लॉग में खत्म कर दिया गोवा व्लॉग में नहीं गोवा में गोवा व्लॉग कहां घूमने गए थे हम गोवा व्लॉग गए थे हे गाइस आई वाज वंडरिंग कुड यू टेल अस सम ट्रिक्स ऑन हाउ यू मैनेज योर टाइम विद कॉलेज यूट्यूब एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड पीपल आर आस्किंग अबाउट कि अभी हमारा कॉलेज का प्लान क्या है हम क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह सो दिस ईयर वी ट्राई टू एक्सपेरिमेंट इनटू डिफरेंट फील्ड्स तो मेरा क्या सीन है अभी मैं कॉलेज में घुसा मैंने पढ़ाई 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 होगी पर मेरे को डांस मिल गया तो और डांस का लाइफ और सोसाइटी की लाइफ बेसिकली बहुत बिजी होती है तो पढ़ाई अब कुछ नहीं होती पीपल आर आस्किंग कि मैनेज कैसे कर रहे हो जैसे शी आस्क्ड तो मैनेज नहीं कर पा रहे टू बी ऑनेस्ट तो आई एम इनटू स्ट्रीट प्लेस तो हमारा रोज परफॉर्मेंसेस चल रहा है सो दिस ईयर ये एक हमारा काइंड ऑफ ये वाला फेज था अभी हम इसमें ट्राई कर रहे हैं तो जैसे फेस्ट सीजन होता है तो फेस्ट में स्ट्रीट डांस वगैरह सब होता है बाकी फेस्ट कॉलेज फेस्ट में काफी सारे व्यूज मिलते हैं वो मजा आता है वो क्रेजी है सो अनुष्का आज तरुण आई रियली लाइक यू टेल अस अबाउट योर रैपिंग स्टोरी लाइक हाउ रैपिंग हैपेंड टू यू सो इसकी स्टोरी मेरे नाम से शुरू हुई थी निक म्यूजिक हर जगह मैं ये नाम रख देता था पर सब पूछते थे कि क्यों भाई तरुण से निक कैसे आज तक इंस्टाग्राम निक म्यूजिक है अभी तक निक म्यूजिक है क्योंकि वो चढ़ी है अब तो वो इसीलिए था क्योंकि मेरा जो पहला गाना था जो मतलब पहला खुद का लिखा हुआ गाना वो मेरी बहन पे था और मेरी बहन की जब शादी हो रही थी तब वो मेरे को निक्कू बुलाती थी तो इसलिए निक्कू नहीं रखा अच्छा नहीं लग रहा था तो निक रख दिया और तब मेरे को लगता था कूल है यार रख दो तो वो रख दिया था उस टाइम पे तो बहुत कूल था तब के टाइम पे लगता था तो उस वजह से नाम रखा और उसी गाने की वजह से वो शुरुआत हो गई रैप की पोएट्री की और वो बढ़ती गई और अब बस बना लेते थोड़े गाने एंड हाँ और पर्सनली आई थिंक इस चैनल पे कभी मतलब मैंने डेडिकेटेडली ऐसे एड्रेस नहीं करा हमने फैक्ट कि तरुण इज इनटू रैपिंग एंड ऑल बट सीरियसली यू गाइस नीड टू चेक आउट तरुण कुकरेजा लिखना अपना उस पे यूट्यूब पे और अभी रिसेंटली ओनली ड्रॉप्ड अ न्यू सॉन्ग कॉल्ड ब्लेस्ड और उसकी वीडियो बहुत बहुत क्लियर वीडियो बहुत क्लियर वीडियो है तो चेक दैट आउट और भी चीजें देखो बट वो भी देखो और तो बाकी ये सब तो देख लो बेटा अब जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ी है मतलब उतना कंफर्ट लेवल बढ़ गया फैल गया उतना शुरू में फॉर्मल थे तुम्हारे साथ हाँ भाई क्या क्वेश्चन है वाला खत्म खाने का सोने का पीने का रोने का तो सुन नीचे करियो अच्छा देखिए कंफर्ट लेवल लगी यहाँ पे कहाँ जा रहे पर इसके नीचे सही में थक गए भाई कितने बजे टेन 10:26 पहली बार हम रात में शूट कर रहे हैं ये ऐसे मैनेज करते हैं बाकी जिसके क्वेश्चन नहीं है जिसके क्वेश्चन नहीं उसके लिए माफी है भाई एंड बाकी गिव दिस अ वीडियो थम्स अप इफ यू लाइक्ड इट और बाकी बेल बटन कमेंट जो दूसरे वाले यूकेलेली का नाम क्या रखना है मरियम के भाई का नाम बताएं दूसरा नामकरण जरूरी है नामकरण भाई साहब का भी नाम तुमने ही हेल्प करा था ये भी तुम करो तो बाय बाय गुड बाय मच लव विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो चलो ये आज देखो माइक नीचे था ये लो इसे भी मिल लो इसका भी नाम दे दो इसका भी नाम रखो